स्टूडेंट्स माई सेल्फ राजेश्वरी भाटिया अब आपको लेसन नंबर 3 और थ्री का पार्ट 2 मैं समझा रही हूँ, सभी लोग अच्छे से समझेंगे। इसके शब्दार्थ यहाँ पर लिखे हुए हैं, साथ साथ में मैं बताती भी जाऊँगी और नहीं समझ में आया तो आपको फिर से भी बता दूँ। अब सभी लोग यहाँ पर फिर से एक बार पोयम गा लेते हैं और मुझे पता है आप सबको ये पोयम आ गई होगी, सभी लोग मेरे साथ हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, इतनी उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी गोरी, अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैली सुंदर महक तुम्हारी महके सारी गली गली, कली छिटक कर थी अकेली तुरंत खेल की सुंदरता, साथ कली जो है वो छोटी सी है, बड़ा बनने के बाद वो फूल बने, तो जैसे
हरी, नन्ही, सुंदर, कली, तितली, आंखें, भोली, महक यानी खुशबू, गली गली, तुरंत, खेल, खिली रंगीली, सुनकर, छूने। और यहाँ पर शब्दार्थ है डाल यानी टहनी, महक यानी खुशबू, छिटक कर यानी अलग होना, रंगीली यानी रंगों से भरी, तुरंत यानी एकदम। इसका पार्ट टू है, ये अच्छे से आप लोग देख लेना। पार्ट वन में आपको पोयम गाकर सुनाई है और फिर पोयम लिखने के लिए बोली थी। आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर या अकेले भी बैठोगे तो भी ये पोएम पूरी समझ में आ जाएगी। टू टाइम वर्ड वाइज आपको पूरा मैंने बताया है, आप अच्छे से इसको पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।